अध्याय 3। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी सुशील सभ्य पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं। यदि वे निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीही यीशु पर है बड़ा हिया प्राप्त करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया।